प्रदेश के अमरोहा से आए दिन चोरी डकैती के मामले सामने आते रहते हैं। एक चोरी का केस सुलझ नहीं पाता कि उससे पहले ही दूसरी चोरी की खबर सामने आ जाती है। ताजा मामला सामने आया अमरोहा के आदमपुर से, जहां स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह के घर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना गुरुवार रात 12 बजे की है। इस समय इंद्रपाल सिंह की पत्नी चंद्रवती, बेटे अंकुश विक्की और बेटी गुंजन घर पर ही थे। तभी बदमाश घर में घुस गए और गन पॉइंट पर घर वालों को लूट लिया। बदमाश घर में रखी 25,000 रुपए की नकदी और सोना चांदी के जेवरात लूट कर भागने लगे। बच्चे भी सो रहे थे दोनों, अचानक में 3 बदमाश आए, ढटियारा मदरा मुझसे बोले बताओ कहाँ रखी है चीज, मेरी लड़की की सामान है, मेरा भी है, 20,000 रुपये कहीं से आए थे तो वो मैंने बक्से में डाल दिए, मेरे पे तमंचा रख दिए यहाँ कान पर, मुझे कुछ मारा भी पीटा भी है, मुझसे बोले कि बताओ और क्या चीज है, घर में को खींच के ले जा रहे पल्ले कोठे में को, चल बता कहाँ किधर है चीज, तो बोला कि इनको बता कि इतना कहाँ दबका कर रखी चीज इतनी क्या कर, फिर मैं बोली मेरी कहाँ मेरी मैं ना जाने की कहीं पर भी, तो मैंने कुंडल खींच लिए मेरे कानों में से भी, गले में से भी, सूतर कंठी 1,00,000 का सामान मैं चला गया और पैसे घर चले गए, 1,00,000 लड़की का धरा सामान जैसे चीज वत छोड़ के चली गई, वो भी सारा चीज खकोर खकार के ले गए, 2,00,000 के करीब में सब सामान लूट के ले गए। जब घर के सदस्यों ने उनको रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ये बदमाश लगभग 2,50,000 का सामान लेकर घर से फरार हो गए। इस घटना की खबर मिलते ही डायल 112 की टीम और आदमपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार हो रही चोरियों के बावजूद भी चोरी डकैती के वारदातों पर लगाम क्यों नहीं लग रहा। न्यूज डेस्क अमरोहा टीवी।